खबर उत्तराखंड के पौड़ी किस्से है, जहां पर कल्पिखाल ब्लॉक के बड़खोलू झूला पुल से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है शख्स बड़खोलू गांव से सतपुली सामान लेने पहुंचा था, तभी उसके साथ हादसा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने उसे हंस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 2010 में भारी बारिश के कारण आई भयंकर बाढ़ के कारण पुल को भारी क्षति हुई थी, जिसके बाद से सरकार द्वारा पुल की मरम्मत न किए जाने से यहाँ पर नदी पार कर आवागमन करने के लिए नए पुल का निर्माण न किए जाने के कारण ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है, जिसके बाद ग्रामीणों ने मोटर पुल बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं शासन द्वारा यह जाने को यहां पर 2016 में मोटर पुल बनाए जाने को लेकर शासन आदेश भी जारी किया गया है, लेकिन इस पर भी कई कारणों से आज तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने 2 अक्टूबर को सतपुली पर चक्का जाम भी किया था। वहीं सतपुली से बड़खोलू जा रहे ग्रामीण सतीश चंद्र की झूला पुल से अनियंत्रित होकर नदी में गिरने से मौत हुई। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। जितने भी झूला पुल हो या आपके स्थायी पुल हो, उनमें नियमित रूप से संबंधित विभाग को उनकी चेकिंग की जानी चाहिए। जहां तक झूला पुलों की बात है, विभागों द्वारा झूला पुल गांवों की कनेक्टिविटी के लिए बना तो दिए गए हैं, लेकिन उनके अनुरक्षण, उनकी मरम्मत, उनका देखरेख या स्थानीय ग्रामीणों से पुल के बारे में स्थिति का वो जो जानकारी लेनी चाहिए वो विभागों द्वारा ली नहीं जा रही है। अब गुजरात में बड़ा हादसा होता है, उसके बाद हमारी सरकारें चेतती हैं कि हम कैसे अपने जर्जर पुलों को ठीक करें, जबकि ये व्यवस्था पूर्व से ही है कि जहां भी पुल होगा, चाहे वो झूला पुल हो या स्थायी पुल हो, नियमित रूप से उनकी चेकिंग की जाएगी।